तो हीट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। कार्बन स्टील की कोर इसीलिए डाली गई है ताकि हीट को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे। अब इसको एक बार आप लोग जो भी चाहें इसको एक बार चला के देखिए कितना अच्छी तरीके से ये नॉनस्टिक है, अंदर कुछ भी कोई मसाला कुछ भी चिपक नहीं रहा है, जबकि हमने इसमें तेल नहीं डाला है। और थोड़ी थोड़ी मसाला भूनने की खुशबू आ रही है, आप लोगों को लग रहा है थोड़ा मसाला भून गया। तो आप सोचिए बिना पानी बिना तेल यूज किए मसाला भून रहे हैं हम और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। प्याज पड़ने के बाद से स्मेल कितनी गंदी आती है बिना तेल का। हाँ। और किसी को चला के देखना इसको बिल्कुल सभी लोग चला के देख लें बारी बारी आके देख लीजिए लेडीज स्पेशली आप लोग खाना बनाते हैं देखिए हम लोग भी बनाते हैं देख लीजिए आके चला के जो बनाता है किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसको भी देखना ये आप ही लोगों के लिए हो रहा है आप लोग इसको आराम से देख सके इसीलिए किया जा रहा है कि आप लोग देख सके इस कुकवेयर में किस तरीके से बिना तेल डाले इसमें आप आराम से मसाला भून सकते हैं। जेंट्स में जो लोग आते हैं वो लेडी में चले जाएं। जो जेंट्स लोग बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं वो लोग देख लें इसको धुल दीजिए इसको धुल दीजिए भाई गिर गया नीचे आराम से चलाइए गिर गया तो दोबारा डालना नहीं चाहिए हाँ हाँ है दूसरा है चलिए ठीक है इसको ढक के बनाते हैं पूरे टाइम खोल के नहीं बनाते हैं ढक के बनाते हैं। अब इसमें ढक के क्यों बनाते हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था जब इसमें भाप बन गई थी तो बाहर निकलने लगती है इसका ढक्कन ऐसे देखिए आप इसको अभी घुमाइए तो ये नहीं घूम रहा है लेकिन ये वाला अच्छा ये स्टीम इसमें लॉक हो जाएगा हाँ फिर बन गई हाँ ये देखिए ये आराम से घूम रहा है ये इसलिए घूम रहा है कि इसमें बीटा लॉक कोटिंग इसके अंदर बीटा लॉक इसको ऐसा बनाया गया है जो बीटा लॉक टेक्नोलॉजी है ये होता ही है जब भाप इसमें बन जाती है और फिर वो कंडेंस होकर के यहाँ पे जमा होती है तो उसकी वजह से एक सील बन जाती है इसके बीच में और उसके वजह से वो जो सील है वो आगे मॉइस्चर निकलने से रोकती है जिसकी वजह से आपके विटामिन्स को फर्दर विटामिन्स का और लॉस नहीं होने देता है ये जो बीटा लॉक सील है ये देखिए अभी भी कुछ नहीं चिपक रहा है आराम से मसाला भून गया है इसमें हम लोग थोड़ी सी डालते हैं ये टोमेटो प्यूरी भी आप डाल सकते हैं या पिसा हुआ टमाटर है मेरे पास में ये हमने डाल दिया अच्छी खुशबू आ रही है मसाला भूनने की और बिना तेल के भून रहे हैं हम लोग इसको पूरी ग्रेवी हाँ टाइम कम इसलिए लगता है क्योंकि आप ढक के बनाते हैं और बहुत ही हीट एफिशिएंट बर्तन है ये जो बीच में जो कार्बन स्टील डाला गया है वो इसीलिए है अरे थोड़ा सा थोड़ा दूर हो जाइएगा नहीं तो टोमेटो प्यूरी डाला है ना चाहिए इसको ढक्कन लगा पीछे के लोग चलिए कुछ नहीं अब कुछ नहीं तो इस तरीके से अच्छा टमाटर में पेस्ट का डालें तो नहीं गलेगा
गल जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा, लेकिन ग्रेवी आपको अच्छी ग्रेवी एक जैसी बनानी है ग्रेवी के लिए, अच्छा लगता है। टमाटर ग्राइंडर में पीस सकते, वो ग्राइंडर में पिसा हुआ टमाटर था, नहीं तो आपके पास चॉपर होगा, चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, इसमें भी महीन हो जाता है। तो इस तरीके से, और इसमें भी इसमें हम लोगों ने सब्जियां डाली हुई है, थोड़ा रुक जाओ अभी अभी और होने तो हुआ नहीं है, अच्छे से और देखते हैं इसको, सब लोग पहले ही डर रहे हैं, ऑफ कर लीजिए खोल रहे हैं इसको, ढक्कन कोशिश करिए कम से कम खोलना पड़े, लेकिन जब आप ऐसी कोई ग्रेवी वाली डिश बनाएंगे तो आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का कुकिंग का तरीका ऐसा है कि हम लोग कोई भी डिश बनाते हैं तो हमें खोल के देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीजें पहले डालते हैं फिर कुछ चीजें उसके बाद डालते हैं, तो ऐसा हम लोग की जनरली डिश नहीं होती है कि एक बार सब कुछ पैक कर दिया ढक दिया, ऐसा अगर बनाना तो ढक दीजिए। हाँ, वो तो एक तरीके का स्टर फ्राइंग है जो भुजिया बनता है, तो हाँ थोड़ा कम तेल में ये बन जाएगा, लेकिन अगर भुजिया आपको फ्राई वाली खानी है तो ऑब्वियसली उसमें तेल तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना तेल के बनाएंगे तो तेल का टेस्ट तो नहीं आएगा। बाकी बनाना चाहे तो इसमें बना सकते हैं, थोड़े से तेल में बना सकते हैं, वो फ्राई वाली चीज है तो फ्राई वाली नहीं, फिर लेकिन वो इसमें करनी चाहिए। ये देखिए इसमें मैंने कोई सब्जियों में कोई पानी नहीं डाला था, आप लोग देखिए अगर आपको प्रेशर कुकर में बनाना होता है सब्जियां और तो पानी डालना पड़ता है, उसके बाद से वो प्रेशर कुकिंग करता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर जो उसकी टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मली पानी 100 डिग्री पे उबलता है तो प्रेशर की वजह से 120 डिग्री पे उबलता है, तो अब जब 120 डिग्री अंदर टेम्परेचर हो गया है तो दाल या सब्जियां जो भी डाले वो जल्दी से पक जाती हैं। लेकिन जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है न्यूट्रिएंट लॉस उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए जो हमारे यहाँ पे कुकिंग मेथड है प्रेशर कुकिंग मेथड नहीं है, जो भी एक्सेस वेपर होती है वो निकल जाती है और जितनी इसको जरूरत है उतनी इसमें रहती है। आप देखिए अभी मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला था, सिर्फ सब्जियां डाली थी, लेकिन और ये सब्जियों का मॉइस्चर है जो निकल रहा है और ये सब्जियां अपने ही मॉइस्चर से इसमें पक रही हैं, जिसकी वजह से हाँ थोड़ी सी भाप तो निकलेगी, सब्जियों में एक्सेस मॉइस्चर है, ये देखिए सब्जियां अपने, ये देखिए सब्जियों का पानी कितना ज्यादा है जबकि मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला था अलग से। सब्जी पहले की धुली हुई भी थी, हाँ तुरंत की धुली नहीं गई, तुरंत थोड़ा बहुत पानी चला है, ये ऑलमोस्ट हो गई है, कलर भी एकदम सेम। हाँ ऑलमोस्ट हो गया गोभी थोड़ा सा, ये देखिए आप लोग ये सब्जियां पक चुकी हैं, नमक डाल के पकाया है। अगर आप बॉईल करते हैं वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं तो क्या ऐसा ही कलर रहता है? नहीं, नहीं, नहीं। आप बताइए अगर आपको हाँ काट के यहाँ पे अगर एक प्लेट में सब्जियां रखी हो उसका कलर और इसका कलर एक ही है या नहीं है? बिल्कुल सेम है, जैसे लग रहा है कच्ची सब्जियां इसमें डाली हुई हैं, क्योंकि ये जो वीटा लॉक टेक्नोलॉजी है ये आपकी सब्जियों के कलर को न्यूट्रिशन को हर चीज को प्रिजर्व करके रखता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है न्यूट्रिएंट्स को, तो आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से ये कलर को मेंटेन करके रखता है। अब इसमें हम लोग जो मसाले भून रहे हैं ये हम लोग इसमें मसाले भून रहे हैं, खुशबू आ रही है आप लोगों को, मसाले भून गए हैं ऑलमोस्ट, ये हम लोगों ने मसाला तैयार कर लिया है और थोड़ा हम लोग इसमें ये डालते हैं, हाँ चॉपर है बहुत सारी चीजें यहाँ सब वही है जो कुछ भी है। हाँ कैटलॉग बनाएंगे, ऑफर भी आया है,
वापस से ढक देते हैं, थोड़ा सा और कुक हो जाएगा। और इसमें ये इसमें हम लोगों ने काजू का पेस्ट तैयार किया है, ये तो हुआ ही नहीं है। अगर मिक्सर ग्राइंडर में काजू का पेस्ट बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे जितनी भी चीजें यूज की हैं, कोई भी रेडीमेड पेस्ट नहीं, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अनियन पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, सब रेडीमेड यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटर होगा कि अगर घर में ग्राइंडर में फ्रेश सब्जियां, फ्रेश टमाटर, फ्रेश प्याज, अदरक, सारी चीजें पीस करके यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें प्रोसेस्ड चीजें कम से कम यूज करनी चाहिए। ये मैं इसमें डालूंगी काजू का पेस्ट। और ये इसमें डाला, हालांकि इसको ग्राइंडर में हम करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से होता है, ज्यादा स्मूथ होता है। आप जब इसको घर में बनाइए तो आप ग्राइंडर में इसको कर लीजिए, नहीं तो आप काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं मार्केट से रेडीमेड लेकर के। ये हम बना रहे हैं इसमें शाही पनीर, इसलिए इसमें काजू का पेस्ट डाल रहे हैं। फ्राई करना होगा, काजू का पेस्ट डाला, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम लोग चीनी। क्योंकि ये शाही पनीर है, इसमें हमने थोड़ी सी शुगर डाली, काजू का पेस्ट डाला, अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा के फिर से थोड़ा सा पकाएंगे, और तब तक हमारे मिक्स वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा है, ऑफ है ये तो। ये आप देखिए सब्जियों का पानी कितना ज्यादा निकला है, इसी से पक जाएगा। अब से ये सब्जियां अपने ही पानी से पक रही हैं, इसलिए इनका फ्लेवर, इनका कलर सब कुछ मेंटेन रहता है। मैडम ढक्कन खाने का भी तरीका नहीं, नहीं कुछ अलग नहीं है, लेकिन हाँ ये सील हो जाता है, मॉइस्चर सील, तो जब गर्म होता है तो वो सील टूट जाता है, मतलब तब खुल जाता है आराम से, जब ठंडा होता है तब सील हो जाता है। ऐसे कहीं रख दे लो जैसे कि हाँ, अगर आपने स्लैब पे रख दिया है और ठंडा हो जाता है, जब गर्म गर्म ढक्कन रख दिया और ठंडा हो जाता है तो चिपक जाता है। तो गैस ऑन कर, हाँ तो गैस पे है तब तो गैस ऑन करेंगे, अगर स्लैब पे है तो स्लैब पे है तो गरम टॉवल उसके ऊपर डाल देंगे ढक्कन पे, वो निकल आएगा। हाँ कोशिश करिए, सही कह रहे हैं, कोशिश करिए ढक्कन को हमेशा ऐसे रखिए, तो इससे आपका ये चीज भी कम घिसेगा, तो आपका मीठा लव जो है वो खराब नहीं होगा। और बस ठीक है, ठीक है, तेज कर दिया गया, थोड़ा सा तेज किया गया है, बॉइल करना है। ये देखिए ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, इसमें हम लोगों ने शाही पनीर बनाया है, इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा दूध, दूध डालिए तो धीरे धीरे दूध डालिए, क्योंकि दूध फट सकता है, इसमें टमाटर है ग्रेवी में,
तो मैम ये तो इंडक्शन का कमाल है, गैस पर बनाने का गैस पे बिल्कुल ऐसे ही लेकिन धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में। जितना क्या कहते हैं ओपन मीटिंग के दिन, टीम मीटिंग के दिन पांच गैस सिलेंडर गैस चूल्हे पे बना था उसने। और अभी तक आज तक पहली बार ऐसा है कि सारा इंडक्शन पर बना है। हाँ मैंने तो हमेशा गैस पे ही बनाया। एक कप दूध डालेंगे इसमें और ये पनीर, ये मैंने एक पैकेट पनीर डाला। चली गई फिर अच्छा डालना ही नहीं। और सब्जियों का कलर देखिए, आपको रेड वाली सब्जियां रेड, ग्रीन वाली ग्रीन, बिल्कुल अच्छे से दिखेंगी। जबकि अगर आप तेल में फ्राई कर दें या पानी में बॉईल कर दें, दोनों में ही सब्जियों का कलर खत्म हो जाता है। तो अब ऑलमोस्ट हमारा ये तैयार हो गया है। इसमें हम लोग थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। किसी ने टाइम देखा क्या, कितना टाइम लगा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने? 20 मिनट हो गए। 20 मिनट्स में दोनों सब्जियां ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। ये देखिए कैसा दिख रहा है शाही पनीर, थोड़ा सा और पकाएंगे। दो तरह की सब्जी बनी है ना, आधे लोगों को एक तरह के, आधे लोग एक तरह के, मतलब अलग अलग ऊपर बनाइए। धनिये का कलर बिल्कुल डार्क ग्रीन और ये हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। अरे वो नहीं डाला इसमें, मैंने मिर्चा नहीं डाला, दोनों में नहीं डाला। मैं बोलने वाली थी मैं मिर्चा नहीं डाली। थोड़ा सा चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जिसको जितना डालना हो। उसमें भी नहीं डाला। छोटा वाला दोनों में कढ़ाई का सब्जी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सब्जी इसमें भी बना सकते हैं बड़े वाले। हाँ मैम दाल इस दोनों में नहीं बन सकते, दाल तो उसी में बनेगी, स्टॉक पॉट में, उसी में दाल उसी में चावल। हाँ तो क्या दिक्कत है, डीप फ्राई करना। दाल किस में बनेगा? इसमें बनेगी क्योंकि दाल में उबाल आता है, तो आप पैन में नहीं बना पाएंगे। इसमें तो चावल बन सकता है, चावल तो बन सकता है, चावल में कोई बहुत उबाल। चावल कौन कर तलने का काम सौते, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भारी बना सेवन लेयर नहीं, फाइव थ्री। हाँ बाकी सब में इसमें भी थ्री है, बाकी जगह बॉटम में फाइव है। थोड़ा एक बार इसको और ऑन कर देते हैं। अब
ये दोनों ऑलमोस्ट इसका क्या हाल ये हो गया ऑयल हो गया अभी और बाकी है अभी हम लोग राइस भी बनाएंगे इसके अंदर ये सब्जी तैयार हो गई हमारी दोनों सब्जियां तैयार हो गई हैं तेल पड़ा ही नहीं है पानी पड़ा ना तेल तैयार हो गया पानी भी अब दोनों हटा दे अच्छा एक ही रखा है यहाँ यहाँ अब ये हमने पैन रखा है ये अब देखिए ये पुलाव बनने जा रहा है ये स्टॉक पॉट रख दिया हमने गर्म नहीं है ये गर्म नहीं है हाँ ये गर्म नीचे का भी गर्म नहीं माइका हाँ माइका पे लेकिन अब करेंगे पेपर ये जीरा डाल रहे हैं इसके अंदर ड्राई पैन लिया है पैन में कोई घी नहीं डाला हम लोग इसमें बिना घी के पुलाव बनाने जा रहे हैं और ये ड्राई लेडीज आप लोग खैर इस तरीके से भून तो लेते हैं लेकिन क्या स्टील के बर्तन में पॉसिबल है इस तरीके से बर्तन स्टील का बर्तन होता है उसमें पूरा बर्तन ही जल जाता है लाल हो जाता लेकिन इसमें हम लोग ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ये जीरा है और तेज पत्ता है इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं खुशबू आ रही है जीरा भून गया नहीं बचा इसको किससे इसको ढकने की दिक्कत जीरा अपना कलर चेंज नहीं हुआ है मैडम जीरे का कलर देखिए वही है सेम वो मटर वाला चेंज नहीं हुआ चावल वाला खाली होता है चावल वाले से ढकते ये आराम से जीरा रोस्ट हो गया है और अभी लिड की प्रॉब्लम है क्योंकि लिड अभी कंपनी ने दो ही दिए हैं तो ये वाला लिड दोनों पे कॉमन है बाद में फिर आएगा क्या हाली डे एक और सेल पे मिल जाएगा 4 तारीख से मिलेगा अच्छा। तब हम लोग तब एक और लिड खरीद लेंगे अलग से तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी फोटो लेनी हो ले सकते हैं आप लोग हाँ बिना ये दोनों ही लगा दीजिए उधर कोई टेबल और है क्या या फिर यहीं पे ये इसमें हम लोग जो पानी डाला था इसमें अब हम लोग राइस डालेंगे पानी अभी और डाल देंगे बढ़ेगी पानी और डालेंगे हाँ थोड़ा सा पानी डाल के उसको बंद इसलिए कर दिया था कि जीरा की खुशबू उड़े नहीं इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी मटर पानी पानी की मात्रा जितना कुकर में देते थे भाई मैडम जितना कुकर में जितना देते थे जितना कुकर में लेते थे उससे थोड़ा ज्यादा क्योंकि बिना प्रेशर के कुकिंग कर रहे हैं अच्छा जितना भगोने में बनाते हैं चावल उतना डालेंगे थोड़ी थोड़ा सा एक चीनी इसमें गिलास चावल तो ये दो गिलास पानी हाँ क्योंकि पुलाव में चीनी और नमक दोनों डाला जाता है तो थोड़ा चीनी थोड़ा नमक ये हमने डाल दिया थोड़ा उसको जितना तीखा खाना हो तो डाल ले इसको मिक्स कर दिया और इसको लगा देते हैं इससे ये नहीं नहीं इससे बाउल से अच्छा बाउल से हाँ ये सही है
से वो जल्दी बन जाता है एक ढक्कन मिलेगा अभी अलग से सेल पे मिलेगी अभी तीन पैन्स और दो लिड मिल रहा है जो आपने कुकवेयर बुक किया है उसमें आपको ये तीन पैन्स और एक लिड दो लिड मिलेंगे फिर एक लिड आप चाहें तो अलग से खरीद सकते हैं वो सेल पे अवेलेबल होगा नहीं अभी मिल नहीं रहा है फोर्थ से वो भी मिलेगा तो हम लोग उसको भी ले लेंगे उसका आपको पता चल जाएगा एमआरपी रोटी बनाने में घी तेल वैसे भी नहीं डालना पड़ता है तो तवे पे बनाते रहिए उसमें कोई टेंशन नहीं है ये मीट वगैरह बनाने के लिए हाँ बिल्कुल आप ग्रेवी बनाएंगे जैसे शाही पनीर की ग्रेवी बनाई वैसे ही ग्रेवी बना के आप उसमें मशरूम डालें या उसमें न्यूट्रिला डालें उसमें चिकन डालें मटन डालें जो डालेंगे ग्रेवी आपको बनाने का प्रोसेस ऐसे ही होगा उसमें फिर आपको जो डालना है डाल सकते हैं पानी डालना होगा आपकी मर्जी वो ग्रेवी बनाने के बाद आपको जैसी जरूरत लगे पानी की उतना डाली और फिर उसमें जो भी डालना है मीट डालना दूसरे बहुत ज्यादा पानी प्याज का पानी प्याज का पानी प्याज का पानी प्याज का इसको तेज पहले बॉयल करना है ना पहले तेज करेंगे जैसे ही वो हो जाएगा जैसे ही इसमें भाप बन जाएगी तो कम और क्या आप लोगों को हम बता रहे हैं तो आपको बताना भी पड़ेगा बनाने में क्या प्रॉब्लम है पूरी मैडम पूरी पैन में तेल भर के लिखा हुआ है आप इसमें तल सकते हैं भून सकते हैं रोज हाँ वैसे वाले स्क्रबर्स भी तो आते हैं प्लास्टिक वाले हाँ बॉडी स्पॉन्ज से तो हार्ड ही होते हैं 30 इयर्स वारंटी इस बात की है कि जैसे मैंने बताया इसमें तीन लेयर्स है तो तीनों लेयर की वेल्डिंग की हुई है तो कभी आपकी वेल्डिंग खुलने लगे क्योंकि 30 सालों की बात है कभी आपकी वेल्डिंग खुलने लगे आपको लगे कि आपके बर्तन में कुछ लीकेज हो रहा है स्टील में क्रैक आ रहा है स्टील फट रहा है इन सारी चीजों की वारंटी है वारंटी के अंदर आपके ये नॉब्स और हैंडल्स कवर नहीं होते हैं आपको अगर खराब हो जाए इनकेस वैसे खराब नहीं होगा लेकिन अगर आपका टूट जाए खराब हो जाए बर्तन गिर जाए तो बहुत जल्दी तो नहीं टूटेगा लेकिन गिर जाए तो भी आपको यहाँ पे सेल पे ये रिप्लेसमेंट पार्ट्स अलग से मिलेंगे आगे चल के आपको रिप्लेसमेंट पार्ट्स मिलेंगे रिप्लेसमेंट है कि रिपेयर जो मैंने बताया स्टील में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले रिपेयर करेंगे अगर नॉन रिपेयरेबल होगा तो रिप्लेस करेंगे तो दूसरा खरीद लीजिए अवेलेबल है नहीं वारंटी की बात की